आपकी बंदगी को देखा है, आपकी बंदगी को देखा है। यार बोलो, तकरीर हो जाएगी इंशाल्लाह। ये सरकार चाहते हैं ना तो पत्थरों से बुलवा लेते हैं, धड़कने पैदा हो जाती हैं। आपकी बंदगी को देखा है, नूर की रोशनी को देखा है। आपकी बंदगी को देखा है, नूर की रोशनी को देखा है। चांद तारों बताओ कैसे हैं, तुमने मेरे नबी को देखा है। तारों बताओ कैसे हैं, तुमने मेरे नबी को देखा है। कोई सूरत हमें दिखाओ मत, हमने वाजिद अली को देखा है। कोई सूरत हमें दिखाओ मत, हमने वाजिद अली को देखा है। उनकी सीरत में सारी दुनिया ने, उनकी सीरत में सारी दुनिया ने जलवे साबरी को देखा है। उनकी सीरत में सारी दुनिया ने जलवे साबरी को देखा है। आखिरी शेर ये देखें कि तुमको देखा तो ये लगा है। यूसुफ भाई तुमको देखा, तुमको देखा तो ये लगा हमको आज जैसे वली को देखा। तुमको देखा तो नारे तकबीर, नारे रिसाला, उर्से वाजिदी, हुजूर साहिबे सज्जादा, हजरत आजम मियां साहब चिबला, हजरत आजम मियां साहब चिबला, नारे हैदरी। तुमको देखा, और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी उसकी दलील मैं एक शेर में दे रहा हूँ। तुमको देखा तो ये लगा हमको आज जैसे वली को देखा है। बिखरे बिछड़े हुए मुरीदों ने आज फिर सैयदी को देखा है, आज फिर सैयदी को देखा है। जो शेर सुनाना है वो सुने के याद ताजा हुई बुजुर्गों की जब तेरी सादगी को देखा है। याद ताजा हुई बुजुर्गों की जब तेरी सादगी को देखा है। अदराज शायरी बहुत सी है, 200-250 कलाम मैंने कह लिए इस उम्र में। मोहब्बत के साथ एक बार दुरूद पाक पढ़ें, पूरा मजमा एक साथ जी लगाकर अपने पैगंबर की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह तवज्जो के साथ में सुनिएगा। अल्लाह ने हजरत आदम को बनाया, आदम की माहियत बताई, आदम की खिलकत बताई, आदम का माफी जमीर बताया, आदम की मिट्टी को बनाया, आदम की मिट्टी बताई, आदम की तबीयत बताई, आदम की आदमियत बताई, आदम की शुरुआत बताई, आदम की इब्तिदा बताई, आदम की इंतहा बना बताई। हजरत शीश को पैदा किया, शीश की इब्तिदा भी बताई, शीश की इंतहा को भी बताया। हजरत नूह को पैदा किया, नूह को नबूवत से सरफराज किया, नूह की इब्तिदा भी बताई, नूह की इंतहा भी बताई। हजरत दाऊद को पैदा किया, नबूवत से सरफराज किया, हजरत दाऊद को अपना खलीफा बनाया, तो खिलाफत दी, लेकिन उनकी इब्तिदा भी बताई, उनकी इंतहा भी बताई। सुलेमान को शौकत दी, उनकी इब्तिदा भी बताई, उनकी इंतहा भी बताई। इब्राहिम को कुल्लत दी, उनकी इब्तिदा भी बताई, उनकी इंतहा भी बताई। इस्माइल को नवाजा, उनकी इब्तिदा भी बताई, उनकी इंतहा भी बताई। ईसा को नवाजा, उनकी इब्तिदा भी बताई, उनकी इंतहा भी बताई। हजरत मूसा को नवाजा, उनकी इब्तिदा भी बताई, उनकी इंतहा भी बताई। मगर 12 रबीउल नूर को जब आमिना के आंगन में अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर को भेजा, इब्तिदा तो बताई, इंतहा नहीं बताई। इब्तिदा को बताया, इंतहा को नहीं बताया। रसूल ऐसा जिसकी इब्तिदा तो मालूम लेकिन इंतहा नहीं मालूम, उसका मकाम नहीं मालूम। वो सिद्दीक अकबर जो अफजलुल बशर हैं बादल अंबिया, उनके ताल्लुक से मेरे मुस्तफा मुझे मेरे नबी के बारे में वो जानना चाहते बद्र का मैदान है,
अरीश की झोपड़ी है, मुस्तफा उस झोपड़ी में अपने सर को सजदे में रखे हैं। हजरत सिद्दीक अकबर ने पीछे सजदा किया और सजदे की हालत में अपने मौला से अर्ज करते हैं, ए मौला तू अपने महबूब की हकीकत तो मुझ पे जाहिर कर दे। पैगंबर ने थोड़ी देर के बाद में सजदे से सर उठाया और उठा करके सिद्दीक अकबर को पकड़ा और पकड़ करके उनको झंझोड़ा और झंझोड़ करके इरशाद फरमाया, सिद्दीक या अबा बकरिन लम यारुफनी हकीकतन गैरा रब्बी, ऐ अबू बकर मैं क्या हूँ मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता, मैं क्या हूँ मेरे रब के सिवा किसी को खबर नहीं, मैं क्या हूँ कुंतो कंसल मखफिया, मैं एक छिपा हुआ खजाना था, जब अल्लाह ने चाहा कि मैं जाना जाऊं, जब अल्लाह ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, जब अल्लाह ने चाहा कि कोई मेरी पूजा करे, जब अल्लाह ने चाहा कि कोई मुझे माबूद माने, जब अल्लाह ने चाहा कि कोई मेरी परस्तिश करे, जब अल्लाह ने चाहा कोई मुझे सजदा करे, जब अल्लाह ने चाहा कि दुनिया को पैदा करूं और दुनिया को पैदा करने के बाद में लोग मुझे माने, तो अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हारे मुस्तफा के नूर को पैदा किया। क्या महबूब मैं तुम्हारे नूर को बना रहा हूँ, ये नूर को जो पहचान लेगा उसको खुदा का पता मालूम हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से बाजदी, हुजूर साहिबे सज्जादा, जो इसे मान लेगा ओ मेरे मुस्तफा। मुझे बैक आवाज जो है वो बहुत वैसी मिलना चाहिए, वैसे आवाज सही आ रही है। ओ मेरे मुस्तफा जो बगैर देखे मुझे मानेगा, जो बगैर देखे मुझे मानेगा, जो तुझे देख ले मुझे मान ले, मैं तुझे देख करके उसे छोड़ दूंगा। जो बगैर देखे मुझे मान लेगा, मैं बगैर 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 मैं उसको नहीं देखूंगा, मैं तो ये देखूंगा कि दामने महबूब का सहारा लेकर के आया है, इसलिए मैं उसे छोड़ दूंगा। वरना साहिबो मेरा पैगंबर तो इतना अज़ीम-उश्शान है, इतना अज़ीम-उश्शान है, मक्के के लोगों ने पैगंबर को पत्थर मारे, नबी ने उफ नहीं किया, मक्के की वादी छोड़ी, नबी ने उफ नहीं किया, गारे हेरा में इबादत करते रहे, लोग सताते रहे, रात भूखे रहते रहे, मेरे नबी ने उफ नहीं किया। लेकिन जब मक्के को छोड़ दिया, मक्के वालों ने इतना परेशान किया, मदीने की सरजमीन पे पहुंचे, मदीने वालों ने दस्तरखान कुशादा कर दिया, अपना दिल कुशादा कर दिया, अपना जमीर कुशादा कर दिया, अपना घर कुशादा कर दिया, मेरे नबी के नबी को उन्होंने हाथों हाथ लिया, अल्लाह की रहमत ने उन्हें हाथों हाथ लिया। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तकरीर मेरी यहीं से शुरू होने जा रही है, यही से मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ। अल्लाह की रहमत ने उन पे अपना दस्ते रहमत रख दिया, कहा तुमने मेरे नबी को पनाह दी है, मैंने जहन्नम से तुम्हें पनाह दे दी है, दोज़ख के शोलों से तुम्हें पनाह दे दी है। ओ मेरे मुस्तफा के गुलामों, मैंने तुम्हें वो रसूल दिया जो किसी कायनात को नहीं दिया, ये वो रसूल है, ये वो पैगंबर है, ये वो नबी है, जिस नबी की उम्मत में आने के लिए मूसा दुआ करते रहे, ईसा तमन्नाएं करते रहे, बनी इसराइल के पैगंबर ये कहते रहे मौला उस रसूल की उम्मत में भेज दे और तुम नाज करो। अब मेरे मुस्तफा ने एक मौके पर, तवज्जो के साथ में सुनना, मेरे नबी ने एक मौके पर जब तबलीगे दीन की कुफारे मक्का गालियां देते रहे, पूरी जिंदगी का माहौल यह रहा, लेकिन जब फतेह मक्का हुआ, पैगंबर की बारगाह में खबर आई अबू जहल के बेटे आ रहे हैं इस्लाम का कलमा पढ़ने के लिए, मुस्तफा की नबूवत का इकरार करने के लिए, जब अबू जहल के बेटे आ रहे, मेरे नबी ने अपने सहाबा से कहा, ओ मेरे सहाबा अबू जहल का बेटा आ रहा है, खबरदार अबू जहल के बेटे के सामने उसके बाप को बुरा ना कहना, अबू जहल के बेटे के सामने उसके बाप की बुराई ना करना, अबू जहल के बेटे के सामने उसके बाप को बुरा भला ना कहना। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह ऐसा क्यों, कहा बाप बुरा था बेटा तो दामने इस्लाम में आ रहा। मैं खानकाहियत बता रहा हूँ, सुनिए, बाप पूरा है लेकिन बेटा तो दामने इस्लाम में आ रहा है।
حضرت ابو بکر نے صدیق ابو بکر صدیق نے سنا تو رونے لگے اور رو کر کے فوراً سجدے میں گر گئے. سجدے میں گرے نا میرے مصطفیٰ نے پلٹ کے دیکھا, پوچھا ابو بکر سجدے میں کیوں گرے ہو, سجدے سے سر اٹھاؤ, کیوں رو رہے ہو؟ ابو بکر نے تڑپ کر کے کہا, یا رسول اللہ آپ کی رحمت للعالمین پہ پیار آ گیا ہے, جس کے باپ نے زندگی بھر آپ کو ستایا, جس کے باپ نے زندگی بھر آپ کو گالیاں دی, جس کے باپ نے زندگی بھر اسلام کی دشمنی کی, جس کے باپ نے زندگی بھر آپ پہ پتھر پھینکے, آج اس کا بیٹا آ رہا ہے, میرے نبی آپ اس پہ کتنے مہربان ہیں. نبی نے کہا میں لوگوں کا دل توڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے. محبت سے بولیے تو آج صاحب گالیاں بھی دی جائیں گی, جو بھی نیک لوگ ہوئے ہیں ان کو گالیاں دی جاتی ہیں, برا بھلا کہا جاتا ہے, لیکن ان اللہ والوں کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں فرق نہیں پڑتا؟ کہ ان کو اللہ سے مطلب ہوتا ہے, رسول اللہ سے مطلب ہوتا ہے. عجیب سا ماحول, تھوڑا سا ساتھ دیجیے. ان کو اللہ سے مطلب, ان کو رسول اللہ سے مطلب. آج پیری مریدی کے نام پہ لوگوں نے دھندا بنا لیا, کہتے ہیں صاحب آج تو پیر کا بیٹا پیر ہے, چاہے اہل ہو یا نااہل ہو, ہر کوئی پیر بننا چاہتا ہے, لیکن قسم خدا کی پیری مریدی آسان نہیں ہے. یہ ڈگر پنکھٹ کی ہے جس پہ چلنا آسان نہیں ہے. نہ پیر بننا آسان ہے, نہ مرید بننا آسان ہے. پیر وہ جس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے, پیر وہ جس کو دیکھو تو رسول اللہ یاد آ جائے, پیر وہ جس کو دیکھو تو صحابہ کی زندگی یاد آ جائے, پیر وہ جس کو دیکھو تو غوث اعظم کا سراپا یاد آ جائے, پیر وہ جس کو دیکھو تو غریب نواز کا زمانہ یاد آ جائے, اور مرید وہ کہ دیکھو تو امیر خسرو کی یاد آ جائے, مرید وہ دیکھو تو بیگم وارثی کی یاد آ جائے, مرید وہ دیکھو تو اعلی حضرت کی یاد آ جائے, مرید وہ دیکھو تو مفتی اعظم کی یاد آ جائے, مرید وہ دیکھو تو فضل رحمہ کی یاد آ جائے, مرید وہ جس کو واجد علی شاہ کی یاد آ جائے. ورنہ بھیا پیری مریدی تو بہت زور سے چل رہی ہے, ہر کوئی پیر بننا چاہتا, ہر کوئی خلیفہ بننا چاہتا. میں میرے شیخ پڑھایا کرتے تھے, ایک دن بات چل گئی نا بھائی, بات چلنے لگی کہ بھائی پیری مریدی کیا ہے, بیعت کس سے ہونا چاہیے, یہ بات چلی. پیر کون ہو سکتا ہے, یہ بات چلی. مرید کس کا ہونا صحیح ہے, یہ بات چلی. کا خلافت کس کو دینا چاہیے, خلافت کا حقدار کون ہے؟ تو میرے شیخ فرمانے لگے, بیٹا خلافت کا حقدار وہ ہے جو خدا سے زیادہ ڈرتا ہو. خلافت کا حقدار وہ ہے, بولیے محبت سے. ورنہ آج کل بڑے خلیفہ گھوم رہے ہیں یار, گلی گلی گھوم رہے ہیں جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے, بڑے پیر گھوم رہے ہیں لوگ, جو جبا امامہ تو بہت اچھا ہے لیکن ان کا دل بہت کالا ہے, ان کا کردار اچھا نہیں ہے, ان کا سراپا اچھا نہیں ہے. مگر دیکھو نا, میں نے پہلی نظر دیکھا ہے, پہلی بار زیارت کی ہے حضرت اعظم میاں صاحب قبلہ کی, دور سے دیکھنے میں لگتا ہے کوئی خدا رسیدہ بزرگ بیٹھا ہے. آؤ تمہیں ایک چہرہ دکھائیں, پیر دیکھنا ہے پھر چلو گلگران شریف دیکھو سیدی سرکار اویس مصطفیٰ صاحب کو, چہرہ بتاتا ہے کہ کوئی پیر ہے. پیر دیکھنا ہے تو پہنچو نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں, ان کی چوکھٹ بتاتی ہے کہ کوئی پیر ہے. پیر دیکھنا ہے تو پھر پہنچو نا حضرت صابر کلیری کی بارگاہ میں, پتا چلتا ہے کہ کوئی پیر ہے. پیر دیکھنا ہے
पहुंचो ना जिंदा शामदार की तरह जिन बारगाह में, पता चलता है कि कोई पीर है, पीर देखना है, पहुंचो मखदूम सफी की बारगाह में, पता चलता है कि कोई पीर है, पीर देखना है, पहुंचो देवा शरीफ की चौखट पे, पता चलता है कि कोई पीर है। सारी दुनिया आज मैं आपको बताऊं, आज आपको बताऊं, हिंदुस्तान पे हुकूमत की है अकबर ने, हिंदुस्तान पे हुकूमत की है बाबर ने, हिंदुस्तान पे हुकूमत की है शाहजहां ने, हिंदुस्तान पे हुकूमत की है जहांगीर ने, हिंदुस्तान पे हुकूमत की है आलमगीर ने, हिंदुस्तान पे हुकूमत की है सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमस ने, हिंदुस्तान पे हुकूमत की है तुगलक खानदान के लोगों ने, हिंदुस्तान पे हुकूमत की है गुलामिया खानदान के लोगों ने, हिंदुस्तान पे हुकूमत की है ये अफगानी पठानों ने। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, मुझे बताओ ये जितने शहंशाह आए, इनके पास में तलवारें थी, इनके पास में नेजे थे, इनके पास में बर्चियां थी, इनके पास में फौज थी, इनके पास में लश्कर था, इनके पास में सोना था, इनके पास में हीरे थे, इनके पास में जवाहरात थे, इन्होंने कोठियां और महल तो जरूर बनाए हैं, मगर पीर नहीं बनाए। बोलो, पीर नहीं बनाए हैं। न दीन का कोई काम हो पाया है, न मसलक का कोई काम हो पाया है, खाली ताजमहल बना दिया तफरी के लिए, लाल किला बना दिया तफरी के लिए, फतेहपुर सिकरी बना दिया तफरी के लिए। आज हम जाते हैं, इनसे दीन का काम नहीं हुआ, ये लश्कर इनके पास में है लेकिन दीन का कोई काम नहीं, फौज इनके पास में है मगर दीन का कोई काम नहीं, लश्कर इनके पास में है दीन का कोई काम नहीं, मगर आ जरा देख गरीब नवाज को, न लश्कर लेके आए हैं, न फौज लेकर के आए हैं, एक मुसल्ला लेकर के आए, एक चटाई लेकर के आए, एक तस्बीह लेकर के आए, दीन का काम ऐसे किया सारी दुनिया के बादशाहों के कारनामे एक तरफ, गरीब नवाज का कारनामा है। एक तरफ जो मुसल्ला लेके आया था उसने दीन फैला दिया, जो जनामात लेके आया था उसने दीन फैला दिया, जो तस्बीह लेके आया था उसने दीन फैला दिया, जो चटाई लेके आया था उसने दीन फैला दिया। और यही वजह है, फतेहपुर सिकरी जाओ, जाओ दावा है अकबर के मकबरे पे जाना, बहुत से लोग गए होंगे, जाकर के देख लेना, नहुसत ही नहुसत है। बोलो यार, नहुसत ही नहुसत है, कोई चप्पल लग के बैठा है, कोई वहां पे पुड़िया खा के थूक रहा है, कोई गर्लफ्रेंड की बाहों में बाहें डाल करके वहां घूम रहा है। वो बादशाह जो मुतलकुल अनान हुआ करते थे, जिनको देख करके लोग कांपते थे, आज उनके दरबार में लोग थूकते हैं, चप्पलों से जाके उसकी कब्र पे मारते हैं। मैंने कहा एक ये भी बादशाह है जिसकी कब्र पे चूके चप्पल लेके जाते हैं। और एक चौखट देखो हजरत वाजिद अली शाह, एक चौखट देखो बारिश पाक की, एक चौखट देखो आला हजरत की, एक चौखट देखो मुफ्ती आजम की, एक चौखट देखो महराना के बुजुर्गों की, एक चौखट देखो हजरत फजले रहमा की, जहाँ पे थूकना तो छोड़ो, जहाँ की मिट्टी को लोग चूमते हैं। जरा सोचो, जरा सोचो, जरा सोचो, ये इतने बड़े बादशाह हैं, हिंदुस्तान का इतना बड़ा बादशाह, और उसकी बेटी का मजार है दरियाए रावी के किनारे पर। तवज्जो देना भाई, दरियाए रावी के किनारे पर हिंदुस्तान के बड़े बादशाह की जहांगीर की बेटी का मजार है, नाम है उसका हुस्न आरा। हुस्न आरा ने कहा, उसके मजार पे आज भी एक कतबा लिखा हुआ है, एक तहरीर लिखी हुई है, उसके मजार पे लिखा है लोहे मजार पर मजारे माँ गरीबा ने चिरागे ने गुले, ना परे परवाना सोसत ने नाले बुलबुले। वो लड़की कहती है हिंदुस्तान के बादशाह की बेटी है, वो ये कहती है हम गरीबों के मजार पे कोई चिराग जलाने के लिए नहीं आएगा, हम गरीबों के मजार पे न कोई बुलबुल तराना गाएगी, हम गरीबों के मजार पे न कोई शमा जलाने के लिए आएगा, न कोई परवाना आएगा। ये हिंदुस्तान के मुतलकुल अनान बादशाहों के दरबार है, जहाँ पे अंधेरा है मगर रात के 2 बजे आओ, वाजिद अली की चौखट पे उजाला है।
वाह 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 जहाँ दे रहा है वाह 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 पे लोग थूकते जहाँ बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में जाके मैंने फुलदाबाद में देखा, मैंने औरंगाबाद में देखा, मैंने फतेहपुर सिकरी में देखा, मैंने दिल्ली में देखा, मैंने मैंने गोलकुंडा में देखा, मैंने हैदराबाद में देखा, मैंने बीजापुर में देखा, मैंने महाराष्ट्र में देखा। बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में लोग जाते हैं तो पान खा के थूकते हैं, और इन अल्लाह वाला के मजारों पे देखा लोग जाते हैं इनकी चौखट चूमते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने बाजदी, हुजूर साहिबे सज्जादा, वाह 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 वाह। इनकी चौखट को लोग चूमते हैं, चूमते हैं। क्या वजह है भाई? इन्होंने तलवार से झुकाया, मार से झुकाया। अल्लाह की कसम, अगर मारने पे आए तो जिन्नात भाग जाए। मारने पे आए तो और अपनाने पे आए तो दुश्मन भी कदमों में गिर जाए। वाह 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 वाह। ये कभी तलवार नहीं चलाते। आप हुजूर आजम मियां साहब के पास में आइए, कभी गाली नहीं देंगे, कभी डंडा नहीं उठाएंगे, कभी आपको जूते से मार के नहीं भगाएंगे। दुश्मन को बस खाली नजर से गिरा देते हैं, पूरी दुनिया हिला। दुश्मन को खाली नजर से गिरा देते हैं, पूरी दुनिया हिला, पूरी दुनिया हिला देते हैं। और फकीर है, मफलूकुल हाल है यार। ये अल्लाह वाले होते ही ऐसे। बगदाद शरीफ में एक बुजुर्ग है, नाम है हजरत पहलू दाना। मोहब्बत से बोलिए और मोहब्बत से पूरा मजमा बोले। खानकाही तकरीर करने जा रहा हूँ, खानकाही बात सुनो। बगदाद शरीफ में एक बुजुर्ग है जिनका नाम है हजरत पहलू दाना। बैलून दाना रास्ते से गुजर रहे थे, एक जगह पे बैठे नमाज पढ़ने लगे। दुनिया जिनको बहलोल कहती थी वो दाना था, दुनिया जिनको लोल कहती थी वो दाना। वाह वाह वाह। बैठे हुए थे, एक आदमी गुजरा, मफलूकुल हाल था, गरीब था, परेशान हाल था। कहने लगा, हुजूर तवज्जो मुरीदो, सरकारे वाजिद अली शाह की महफिल में बैठने वालो, ध्यान से मेरी गुफ्तगू सुनना। कहने लगा, हुजूर गरीब हूँ, मफलूकुल हाल हूँ, कुछ कर्म कीजिए। अल्लाह वाला मुस्कुराया, मुस्कुरा के कहता, क्या चाहते हो? कहा, हुजूर एक नजर डाल दे, जो आप चाहेंगे वो मैं कर लूँ। क्या बात है, वाह 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 वाह। एक नजर डाल दे। अल्लाह वाला मुस्कुराया, आंखों को बंद किया। हम देखे ना तो आंखें खोल के देखे, अल्लाह वाला देखे तो आंखें बंद करके देखे। आंखें बंद की, कहने लगा, अच्छा ठीक है, एक काम कर, जा 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 करके रुई खरीदना शुरू कर, कपास खरीद ले। कपास, कपास समझते हो, गद्दा है घर में, तकिया है, रजाई है, जा कपास खरीद ले, जितनी मिले उतनी खरीद ले, शहर भर की खरीद पा तो खरीद ले। बहलूल दाना की जबान से निकला था ये जुमला, वो बंदा समझ गया, कहने लगा, अल्लाह के वली की जबान से ये जुमला निकला है, इसका मतलब इसमें मेरा फायदा है। शहर में कर्जा ले कर्जा लिया, लोग पड़ोसी से कर्जा लिया, दोस्तों से कर्जा लिया, अहबाब से कर्जा लिया, घर वालों से कर्जा लिया, कर्ज लेकर के रूई खरीद लिया। दुनिया वाले कहते थे, कैसा पागल आदमी है, एक पागल आदमी की बात में आके, एक बहलूल की बात में आके, एक मजदूर की बात में आके, एक दीवाने की बात में आ गया है। कपास खरीद रहा है, चिलचिलाती हुई धूप है, और ये रुई खरीद रहा है। मई जून का जमाना है, ये रुई खरीद रहा है, ये भयानक गर्मी है, ये रुई खरीद रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना, दीवानों की दीवाने की नजरों को जहाँ देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है। कहने लगे, बहलूल ने कहा, मैं मानूंगा, मैं रुई खरीदूंगा। खरीद लिया। थोड़े दिन गुजरे थे, महीना दो महीना तीन महीना गुजरा था, कभी इतनी भयानक ठंडक, कभी इतनी भयानक जाड़ा, कभी इतनी भयानक भयानक सर्दी ना हुई थी बगदाद में जितनी इस साल सर्दी पड़ने लगी। और जब सर्दी ज्यादा पड़ने लगी तो लोगों को रुई की ख्वाहिश होने लगी, कपास की ख्वाहिश होने लगी। लोग सदरी भी बनवाए तो रुई की बनवाए, गद्दा भी बनवाए तो रुई का बनवाए, कम्बल भी बनवाए तो रुई का बनवाए,
चादर भी बनवाएं तो रुई की बनवाएं, रजाई बनवाएं तो रुई की बनवाएं, पूरी रुई बिक गई। वो गरीब जो था आज शहर का सबसे बड़ा रईस बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से सबसे बड़ा रईस बन गया, रईस बन गया। जब रईस बन गया ना भैया, तो फिर तेवर बदल गया, फिर मिजाज बदल गया, फिर बोली बदल गई, फिर गुफ्तगू बदल गई, फिर रंग बदल गया, फिर ढंग बदल गया, फिर चाल बदल गई, फिर किरदार बदल गया। वो आदमी आया, अपने घोड़े पे बैठा हुआ था, रास्ते में कहीं जा रहा था, बड़े शाहाना घोड़े पे बैठा था, सोने की जीने लगी हुई थी, सोने की जीन पे बैठा था, चांदी की चांदी के पायदान बने हुए थे घोड़े पे, उस पे बैठा हुआ था, जा रहा था। रास्ते में फिर वही मजलूम मिला जिसको बहलूल दाना कहा जाता है। बहलूल दाना बैठे हुए थे, और जब उसने देखा ना बहलूल दाना को, तो देख के कहता है, ओ फकीर, ए फकीर, ए मजलूम, ए पागल, बता आज क्या खरीदे। बहलूल दाना ने नजर उठाई और फिर नजर नीचे कर दी। अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर। बस इरशाद फरमाया, जा तरबूज खरीद ले। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तरबूज खरीद ले, तरबूज खरीद ले। अल्लाह वाले ऐसे ही होते हैं, अल्लाह वाले ऐसे ही होते हैं। जा तरबूज खरीद ले। उसने कहा चलो भैया तरबूज खरीद लेते हैं। वो गया, उसने पूरी मार्केट का तरबूज खरीदा। लोगों ने कहा पागल है। फिर एक मजलूम की बातों में आ गया, फिर एक बहलूल की बातों में आ गया। तरबूज खरीद लिए पूरे शहर भर के, तरबूज खरीदे। अचानक बरसात हुई और फिर बर्फबारी हुई। इतनी ठंडक पड़ी, इतनी ठंडक पड़ी, किसी ने तरबूज नहीं खरीदा। गोदाम का गोदाम खराब हो गया, पूरे का पूरा माल खराब हो गया। अब वो जहाँ फुटपाथ पे पहले था, फिर उसी फुटपाथ पे आ गया। जैसा गरीब पहले था, फिर वैसे गरीब आ गया, गरीब हो गया। दौड़ करके पहुंचा हजरत बहलूल दाना के पास में, कहा हुजूर आपने तो गजब कर दिया, पहले अमीर बनाया अब गरीब बना दिया। हजरत ने कहा पहले तेरा किरदार और था, आज का किरदार। हाय हाय, वाह वाह वाह, किरदार वाह वाह वाह, आज तेरा किरदार और है। पहले तेरी जबान और थी, आज तेरी जबान और है। पहले तू आया था, कहा हुजूर गरम कर दीजिए। हुजूर करम कर दीजिए, तो मैंने निगाहें गरम कर दी। सुभान अल्लाह, लेकिन अब पा गया है पैसा तो पीर को भी जेब में डाले घूम रहा है। फिर कहता है क्या पीर साहब को तो हम जब चाहेंगे तब बुला लेंगे, एक फोन कर देंगे, झोला उठाएंगे, पीर चले आएंगे। अब मैं वो झोला छक्कड़ वाले पीर और होते हैं, वो पीर और होते हैं जो मुरीदों की जेब पे निगाह रखते हैं। ये पीर और है जो मुरीदे के माथे पे निगाह। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, ये पीर और है। सुभान अल्लाह, और महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया, बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये तो किस्मतें बदलते हैं, ये अल्लाह वाले किस्मतें बदलते हैं, बदलते हैं किस्मतें। नजर उठा दे तो किस्मत बदल जाए। बोला अकीदा है कि नहीं, ईमान है कि नहीं, बात समझ में आ रही कि नहीं। कसम खुदा की ये नजर उठा दें तो जहालत को दूर कर दें, नूरे ईमान से सीने को मुनव्वर कर दें। वाह 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 वाह। मुर्गी देखी है? कितने लोगों ने मुर्गी देखी है जरा बताना भाई। अंडे तो सब खाते हो यार, मुर्गी देखी है? मुर्गी के बच्चे निकलते हैं। मैं एक देहात का रहने वाला हूँ, उस हिसाब से ना समझा दूं। मैं बिलग्राम शरीफ में 15 सालों से रहता हूँ, जो सरकारों की बारगाह में रह के सीखा है वो बातें ना बता दूं। मुर्गी को देखा है, मुर्गी अंडे देती है। मौला अली से किसी ने पूछा हुजूर ये बताइए अंडा कौन देता है, बच्चा कौन देता है?
कौन जानवर अंडा देता है, कौन जानवर बच्चा देता है। मौला अली नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, नमाज के लिए हाथ उठाने वाले थे, साहिल ने सवाल कर दिया, नमाज बाद में पढ़िएगा, पहले मेरे मसले का जवाब देते जाइए। सरकारे मौलाए कायनात ने कहा इतना वक्त कहाँ है कि मैं गिनाऊं कि फला बच्चा देता है, फला बच्चा देता है, फला जानवर बच्चा देता है, फला फला जानवर अंडा देता है, फला जानवर अंडा देता है। 100 बात की एक बात सुन ले, जिसके कान अंदर घुसे हुए हो वो अंडा देता है। अरे वाह 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 वाह। जिसके कान अंदर हो वो अंडा देता है और जिसके कान बाहर हो वो बच्चा। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो मुर्गी अंडा देती है उसके कान अंदर होते हैं पता ही नहीं चलते, कबूतर के कान अंदर होते हैं पता ही नहीं चलते, है ना। तो जिसके कान अंदर हो वो अंडा दे, जिसके कान बाहर हो वो बच्चा दे, भैंस बच्चा दे, बैल बकरी बच्चा दे, गाय बच्चा दे। तो सुन ओ मेरे प्यारे भाई, मुर्गी अंडा देती है लेकिन अंडे को अंडे में से जब बच्चे निकालना होते हैं तो हमारे यहाँ देहात में मुर्गी अंडे पे बिठाई जाती है जी, बिठाई जाती है। अब मशीनों का दौर चल गया है लेकिन आज भी देसी अंडे, देसी मुर्गे बच्चे चूजे निकाले जाते हैं। तो मुर्गी अंडे पे बैठती है और फिर 14 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 40 दिन, हद से हद ज्यादा ज्यादा 40 दिन, यह लिमिट है मुर्गी की कैपेसिटी जैसी होगी। तवज्जो है, सुन यार, अभी नहीं समझा तो कभी नहीं समझेगा। मुर्गी की कैपेसिटी जितनी होगी, जितना मुर्गी में पावर होगा, जितनी मुर्गी में गर्मी होगी, जितनी मुर्गी में हिद्दत होगी, जितनी मुर्गी में शिद्दत होगी, उसी के हिसाब से उसमें बच्चे निकलना शुरू होंगे। 14 दिन में भी बच्चे निकल सकते हैं, 15 दिन में भी निकल सकते हैं, 18 दिन में भी निकल सकते हैं, 21 दिन में भी निकल सकते हैं, 35 दिन में भी निकल सकते हैं, ज्यादा ज्यादा 40 दिन के अंदर मुर्गी जिस अंडों पे बैठेगी उन अंडों में बच्चे निकलना शुरू होंगे। अब जब मुर्गी बैठती है, मुर्गी कोई वजीफा पढ़ती है, कोई चिल्ला करती है, कोई तस्बीह पढ़ती है, कोई तस्बीह पढ़ती है, कोई नमाज पढ़ती है, कोई कादा करती है, कोई हदीस पढ़ती है, कोई चिल्ला करती है, नहीं न कोई चिल्ला करती है न कोई वजीफा करती है, बस मुर्गे मंडे मुर्गी अपने अंडों पे बैठ जाती है। लेकिन अल्लाह ने मुर्गी के अंदर तासीर इतनी रखी है, अल्लाह ने पावर इतना रखा है, अल्लाह ने उसके अंदर हिद्दत इतनी रखी है, मुर्गी के अंदर खुसूसियत इतनी रखी है कि मुर्दा अंडों पे बैठती है अंडों में जान पैदा हो जाती है, मुर्गा अंडों पे बैठती है अंडों में जान पैदा हो जाती है, उसमें से अंडे निकलना शुरू होते हैं। मैंने कहा सालिम अब भी नहीं समझेगा तो तब समझेगा जब एक मुर्गी मुर्दा अंडों पे अगर बैठ जाए उसमें से बच्चे निकल आते हैं, उसमें से जानदार निकल आते हैं। एक अल्लाह वाला जब बिगड़े हुए मुरीद के सीने पे निगाह करता है, माथे पे निगाह करता है, शराबी होता है तो उसे नमाजी बना देता है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से वाजिदी, हुजूर साहिबे सज्जादा, उलमाए अहले सुन्नत। अगर एक मुर्गी में इतनी ताकत है, वाह वाह वाह, तो वाजिद अली की ताकत का क्या पूछना, फिर फाताए तिग्राम की ताकत का क्या पूछना। अगर मुर्गी में इतना पावर है कि मुर्दा अंडों में जान डाल दे, वाह 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 वाह, क्या फिर पीर में ताकत नहीं होती है कि मुरीद की किस्मत बदल दे, क्या फिर पीर में पावर नहीं होता है बेनमाजी को नमाजी बना दे, क्या फिर पीर में ताकत नहीं होता है नहीं होती है कि अमीर गरीब को अमीर बना दे, क्या फिर पीर में ताकत नहीं होगी कि शराबी को तहज्जुद गुजार। मुर्गी अपनी तवज्जो डालती है तो अंडों में जान आती है, और पीर जब अपने मुरीद पे तवज्जो डालता है तो बेईमान में ईमान आता है। सुभान अल्लाह, ईमान आता है। लेकिन भैया बात तो यह है, बात तो यह है कि पीर भी होना चाहिए,
पीर भी होना चाहिए, मुरीद भी अच्छा होना चाहिए, वरना पीर साहब आज कह देना जाओ एक लोटा पानी लिया, एक बार लोटे में पानी मंगाए ना, मुरीद जाएगा पीर साहब ने मंगाया फौरन लेके आएगा, फिर साहब कहे जाओ एक लोटा और लिया, वो फिर जाएगा अच्छा आज दो लोटे से वजू करेंगे, वो दो लोटा पानी लेके आ जाएगा, और फिर पीर साहब कहे जाओ एक लोटा और लिया, तो सोचेगा आज तीन लोटे से वजू कर रहे हैं, हर दिन एक लोटे से वजू करते, वो फिर लेकर के आ जाएगा पानी, लेकिन चौथी बार कहेगा, चौथी बार कह दे ना पीर साहब कह दे कि जाओ पानी ले आओ, तो मुरीद का मुरीद ढुलमुल हो जाता है, कहता है लोग बार बार पानी मंगा रहे हैं, बार बार पानी मंगा रहे हैं, बार बार पानी मंगा रहे हैं, यार मुरीद ऐसा नहीं होता है, मुरीद कैसा होता है, मुरीद हो तो ख्वाजा कुतुब जैसा, और पीर हो तो बाबा फरीद जैसा, मुरीद हो तो साबिर कलियरी जैसा, पीर हो तो गंजे शकर जैसा, मुरीद हो तो शेखे तरीकत हजरत वाजिद अली जैसा, पीर हो सरकारे फजले रहमा के बेटों जैसा, उनके शहजादों जैसा, वरना भाई आजकल खिलाफतें तो बड़ी बढ़ रही हैं। हमारे शेख कहने लगे खिलाफत का मसला मुरीद की सलाहियत पे नहीं होता, ये रसूल अल्लाह की तरफ से होता है, सुभान अल्लाह, ये मेरे अल्लाह की तरफ से होता है, किधर से होता है शाहिद भाई, वरना होता यह है कि पीर साहब तो पढ़े लिखे होते हैं लेकिन बेटा जाहिल होता है, उसे गद्दी पे बिठा देते हैं, आता जाता कुछ नहीं, ना लिखना जानता ना पढ़ना जानता, अंगूठा ठेक है, सबकी बात नहीं करता यार, कुछ अल्लाह वाले ऐसे होते हैं जो माँ के पेट से पढ़े हुए आते हैं, वाह 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 वाह, सबकी बात नहीं करता, पीर के लिए कम से कम इतना इल्म रखना जरूरी है कि शरीयत के मसाइल किताबों से देख करके हल कर सके, सुभान अल्लाह, वरना वो पीर नहीं हो सकता, हमें जो शरीयत के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ सकता वो दोजख से अपने मुरीदों को बचा भी नहीं सकता, सही बात, वो दूसरों की क्या तरबियत करेगा, तो हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया का जमाना है, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह, हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया का जमाना है, खिलाफत किसको दी जाती है, कभी कभी मुरीद की सलाहियत देख करके खलीफा बनाया जाता है, और कभी कभी ये रसूल अल्लाह की तरफ से इशारा हो जाता है, रसूल अल्लाह की तरफ से, यार देखो लच्छेदार गुफ्तगू नहीं कर सकता क्योंकि ये उर्स है, उर्स में खानका ही बातें होना जरूरी है, जी आपको समझाना जरूरी है, पीर कैसा होता है मुरीद कैसा, सुन महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया अपने हुजरे खास में बैठे हुए हैं, हजरत अमीर खुसरू से मोहब्बत इतनी है, इरशाद फरमाते हैं अगर शरीयत इजाजत देती ना तो खुसरू को मैं अपनी कब्र में साथ ले जाता, बोलिए सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, और अपने मुरीदों से कहा मेरा इंतकाल हो जाए खुसरू को भी वहीं पे दफन करना मेरे पास में, अगर दूर दफन कर दिया तो मैं अपने वजूद के साथ में बाहर निकल आऊंगा, मोहब्बत, इस मोहब्बत का कोई भैया थोड़े हमारे सुन भैया, अरे चुप चुप खामोश हो जाओ, ये मोहब्बत सबको नहीं मिलती है, ये बड़े नसीब के फैसले हैं, ये बड़े नसीब की बात है, बेशक दर्द दिल सबको नहीं मिला करता, दर्द दिल उसे मिलता है जो उसकी सलाहियत रखता है, कमजरफों के हाथों में जाम नहीं दिया जाता, जो कतरा ना संभाल पाए उसे समंदर नहीं दिया जाता, ये बुजुर्गों की अताएं हैं जिसे चाहते हैं शहंशाह बनाते हैं, तो हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया अपने खुजरे खास में बैठे थे, कहने लगे खुसरू कहाँ हो, कहने लगे हुजूर हाजिर हूं, हजरत ने इशारा फरमाया जाओ फला जगह पे चले जाओ, और फला वली की बारगाह में मेरा सलाम कराओ, फला बाजार से जाकर के एक सामान ले आओ, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया का हुक्म था, हजरत मेरे खुसरू दौड़े दौड़े गए,
जितनी देर में आना चाहिए था उतनी देर में आ ना पाए। जब आ ना पाए तो महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया इंतजार कर रहे थे, सुबह से शाम हो गई, शाम के वक्त में हजरत अमीर खुसरू आए। पूछा खुसरू कहाँ थे, आज देर बहुत कर दी। तो हजरत अमीर खुसरू ने कहा, हुजूर शहर में एक अल्लाह के वली का नमाज जनाजा था, नमाज जनाजा होने वाली थी, उनका जनाजा बाहर आ रहा था, मजमा इतना था, भीड़ इतनी थी, इतनी इतनी कसीर तादाद में लोग थे कि रास्ता नहीं मिल रहा था कि मैं आगे बढ़ सकता। जब भीड़ कम हो गई तब मैंने आपका काम किया, और जब वापस आ रहा था तो लोगों की भीड़ फिर वापस आ रही थी अपने घरों की तरफ, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। मैं इलाही निजामुद्दीन औलिया ने कहा, खुल करके बयान करो। तो हजरत अमीर खुसरू ने कहा, हजरत दिल्ली शहर के एक बहुत बड़े वली का जनाजा था, उन्होंने ये कहा था अपने इंतकाल से पहले कि जो मेरे नमाज जनाजा में शरीक होगा वो जन्नती हो जाएगा, इसलिए पूरा शहर उनके जनाजे में हाजिर था। हजरत ने फरमाया, क्या तूने भी नमाज जनाजा पढ़ी? महबूब इलाही ने कहा, महबूब इलाही के मुरीद निजामुद्दीन, महबूब इलाही के मुरीद अमीर खुसरू बोले, हजरत जनाजा देखा तो मगर मैंने नहीं पढ़ा। जनाजा देखा मगर मैंने नहीं पढ़ा। का खुसरू क्यों नहीं पढ़ा? कहने लगा, हुजूर उन्होंने कहा था जो मेरी नमाज जनाजा पढ़ेगा वो जन्नती हो जाएगा, शहर के कस्बे के गांव के घर के देहात के मोहल्ले के अगल के बगल के करिए के गांव के जगह जगह के पूरे पूरे शहर के लोग चौक दर चौक आ गए, सब नमाज जनाजा में जा रहे थे जन्नत के लिए। तवज्जो, नमाज जनाजा में जा रहे थे जन्नत के लिए। अरे हुजूर मैं दूसरे की बारगाह से जन्नत क्यों लेता, मेरा पीर मेरे लिए काफी है, मेरा मुर्शिद मेरे। पीर हो तो ऐसा, और मुरीद हो तो ऐसा। कहने लगे, जन्नत बढ़ रही थी मगर मुझे वो जन्नत नहीं चाहिए जो मुझे मेरे पीर से अलग कर। मुझे वो दौलत नहीं चाहिए जो पीर की चौखट से अलग कर दे, इसलिए सरकारे वाजिद अली शाह के मुरीदों को, सरकारे वाजिद अली शाह के मुरीदों को, सरकारे आजम मियां के मुरीदों को मैं नसीहत कर रहा हूँ, एक डर पकड़ लो, एक डर काफी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डर डर भटकने की जरूरत नहीं है, बस पीर हो लेकिन पीर होना चाहिए। एक पीर पकड़ो तो फिर बात वहीं पे आ गई। हजरत महबूब इलाही ने कहा, जन्नत नहीं ली? कहा, हुजूर जन्नत नहीं ली, जन्नत तो मैं आपसे लूंगा। बोलिए, जन्नत तो आपसे लूंगा, कौसर का जाम आपसे लूंगा, जन्नत की बहारें आपसे लूंगा, दुनिया मेरी आप हैं, आखिरत मेरी आप। तो महबूब इलाही निजामुद्दीन ने कहा, खुसरू अगर शरीयत इजाजत देती तो तुझको मैं अपनी कब्र में लेके चलता, या मैं तेरी कब्र में आकर के लेटता। शरीयत के मसाइल दरपेश है, लेकिन खुसरू ये ना समझना तू मुझसे दूर हो गया है, तू जब तक जिंदा रहेगा मेरे सीने से लग के रहेगा, इंतकाल कर जाएगा तो मेरे कदमों में। वाह 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 वाह, अल्लाह अल्लाह। तो महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया की ख्वाहिश थी कि मैं खुसरू को खलीफा बनाऊं। तवज्जो है, निजामुद्दीन औलिया की ख्वाहिश है कि मैं खुसरू को खिलाफत दे दूं, खुसरू को अपना जानशीन बना दूं, खुसरू को अपना वली अहद बना दूं, खुसरू को मैं अपना अपनी बारगाह का सबसे बड़ा मोतबर मुस्तनद होते हुए खलीफा नाम अपनी अपना जानशीन नामजद कर दूं। एक दिन वस्त की कैफियत में मस्ती की आलम में महबूबे निजाम महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया अपने हुजरे नूर में तशरीफ फरमा है, आवाज देते हैं, खुसरू कहाँ है? सुनो औलिया के दीवानों, सुनो, चाहते हैं कि अपना खलीफा नामजद करूं और अपनी बारगाह का जानशीन बनाऊं। आवाज दी, खुसरू, खुसरू कहां हो?
खुसरू गए हुए थे किसी मुहिम पर, वही बाहर चौखट पे बैठा था दिल्ली का चला नसीरुद्दीन चला गए दहलवी, हाथ छोड़ के दरवाजे पे खड़े हुए, कहने लगे हुजूर खुसरू नहीं है, चिराग हाजिर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, चिराग हाजिर है, चिराग हाजिर है, चिराग हाजिर है। महबूब-ए-इलाही, महबूब-ए-इलाही खामोश रहे। नसीरुद्दीन चला गए दहलवी, आकर के फिर चौखट पे बाहर बैठ गए। थोड़ी देर में फिर नसीरुद्दीन, फिर हजरत नसीरुद्दीन चला गए दहलवी, ने एक आवाज सुनी कि शेख आवाज देते हैं खुसरू। फिर दौड़ के हाजिर हुए बारगाह शरीफ में, कहने लगे हुजूर खुसरू नहीं है, नसीरुद्दीन चिराग दहलवी हाजिर है। फिर महबूब इलाही खामोश हो गए। अभी थोड़ी देर गुजरी थी, फिर आवाज देते मेरा खुसरू कहाँ है खुसरू। फिर हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी हाजिर हुए, हाथ जोड़ के कहते हुजूर चिराग दहलवी नसीरुद्दीन हाजिर है, खुसरू गैर हाजिर है, खुसरू कहीं गए हुए हैं। महबूब इलाही निजामुद्दीन की जबान से एक जुमला निकला, खुदा चाहता है नसीर को, निजामुद्दीन चाहता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं चाहता हूँ खुसरू को, निजामुद्दीन चाहता है कि खुसरू को अपना जानशीन बनाए, लेकिन खुदा चाहता है नसीरुद्दीन को अपना जानशीन बनाए। और फिर हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी को जानशीन बनाया। सुभान अल्लाह। ये औलियाए किराम के अपने अपने तबके हैं, अपने अपने हालात हैं, ये सबकी समझ में नहीं आते हैं। इनके पावर अलग, इनकी कैफियत अलग। कोई होता है जो बड़ा अच्छा जुब्बा पहनता है, वो भी वली होता है। कोई होता है जो पेबंद लगा कुर्ता पहनता है, वो भी वली होता है। आपको बताएं आखिरी बात सुनाएं। हजरत अल्लामा मुईद साहब क़िबला, अब्दुल मुईद साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, बड़ी इल्मी शख्सियत है। चूंकि उसकी महफिल थे, इसलिए मैं तो दुनिया की बात नहीं करता, सिर्फ अल्लाह वालों की बात कर रहा हूँ। वरना मैं इस्लाहे माशरा पे बोलता, वरना मैं औरतों पे बोलता, वरना आज के समाज पे बोलता, लेकिन यहाँ पे मुरीद है, इसलिए मुरीदों के लिए बोलना जरूरी है, ताकि मुरीद की मोहब्बत शेख की मोहब्बत में, मोहब्बत मुरीद की मोहब्बत बढ़ जाए, शेख की मोहब्बत में फना हो जाए, ताकि उसे बका हासिल हो जाए, ताकि उसे मकाम बका मिल जाए। सुनो, शेख का बड़ा पावर होता है। और अल्लाह की कसम, ये बुजुर्गान दीन ये नक्शबंदी सिलसिले से हैं, और कसम खुदा की नक्शबंदी वो सिलसिला है जिसका फैजान कम नहीं है, बहुत बड़ा है। इस सिलसिले में भी फैज है सरकारे गौसे आजम का। वापस से बोलो, नक्शबंदी कोई अलग नहीं, नक्शबंदी कोई अलग नहीं है, सोहरवर्दी कोई अलग नहीं है, चिश्ती कोई अलग नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं, मजरए चिश्तो बुखारा ओ इलाहे राको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं छाला तेरा, हुक्म नाफिस है तेरा, खामा तेरा साहिब तेरी, दम में जो चाहे करे दौर। हर सिलसिले में फैजान है सरकार गौसे पाक का। लेकिन मैं बताऊं, ये औलिया किराम है, कुरान की एक आयत का तर्जमा सुनो और उसकी तशरीह सुनो, और फिर मैं अपनी गुफ्तगु मुकम्मल कर दूं। हजरत सुलेमान अलैहि सलाम का नाम सुना है? सुना है भैया? सुलेमान अलैहि सलाम का नाम, जिन्नातों पे भी हुकूमत करते थे, परिंदों पे भी हुकूमत करते थे, और एक परिंदा ऐसा था जिससे बड़ी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे कि उससे उससे हंस बोल लिया करते थे। और वो परिंदा भी इतनी मोहब्बत करता था कि अपने अपने पैगंबर से वो भी थोड़ा सा हंस बोल लिया करता था। मतलब कभी इधर से हंसी हो जाती, कभी उधर से हंसी हो जाती, कभी इधर पीर खुश कर देता उसके दिमाग को, और कभी मुरीद खुश कर देता उसके दिमाग को। वाह, कभी पीर खुश कर देता, कभी पीर जलाल में होता है, मुरीद डांट खा जाता है, और कभी मुरीद ताव में होता है कि साहब हमेशा हम आपकी सुनते हैं, आज हमारी सुनो। ये मोहब्बत की बातें, ये मोहब्बत की बातें हैं। पीर साहब डांटे ना तो नाराज ना हुआ करो, डांट वैसे ही बर्दाश्त कर लिया करो जैसे डॉक्टर की कड़वी गोली बर्दाश्त कर जाओ।
कड़वी तो होती है मगर फायदा मंद होती है, कड़वी तो होती है मगर फायदा मंद होती है, बुखार उतार देती है। पीर की डांट तो पड़ती है, कड़वी तो जरूर होती है लेकिन तुम्हारे तुम्हारे सर से भूत उतार देती है, तुम्हारी गलती सुधार देती है। दो सदियों के काम हो रहे हैं तो जन्नतियों के किरदार बना दे, सवार देती है किस्मत। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक दिन हुदूद को पुकारा। हुदूद परिंदा था, बड़ा छोटा होता है, एकदम फुदकता रहता है, बड़ी ऊंचाई पे उड़ता है, बड़ी ऊंचाई पे उड़ता है, बड़ी ऊंचाई पे चचा, बड़ी ऊंचाई पे उड़ता है। उस हुदूद परिंदे की खासियत यह है कि साहब जमीन की कोख में कहां पे पानी है, कितनी फिट गहराई में पानी है वो ऊपर से देख करके बता देता है जी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदूद को पुकारा, कहां है मेरा हुदूद? तो दरबानियों ने कहा हजरत आज वो गायब है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा गायब है, आने दो, या तो आज हम उसे ज़बही कर देंगे। हाय बोलो बोलो बोलो, सुभान अल्लाह, मुरीद हो बोलो, मोहब्बत करने वाले हो बोलो, आने दो, गायब है मेरे दरबार में नहीं है, आने दो, या तो आज हम उसे ज़बह कर देंगे या कोई पक्की सच्ची दलील लेके आए तो हम उसे छोड़ेंगे। गायब था, थोड़ी देर बाद आया कि हुजूर हाजिर हूँ, कांप रहा था, छोटा सा बदन, नन्ना सा परिंदा, फुरफड़ाता हुआ आया, हुजूर हाजिर हूँ। हजरत ने फरमाया कहाँ था? मैंने कसम खाई है कि आज तो या तो ज़बह कर देंगे और या तो कोई पक्की दलील लाए, ऐसी बात सुनाए कि मेरा जी खुश हो जाए। तो कहने लग गया कि हजरत मैंने एक घर देखा, एक मुल्क देखा, एक तख्त देखा, मलका बिलकिस का देखा, जो इतना शानदार तख्त है कि सात दरवाजों के अंदर बंद रहता है, बहुत बड़ा लश्कर भी है, बहुत बड़ी फौज भी है, लेकिन वो मुल्क सभा में रहता, मुल्क सभा में रहती है मलका, सात कमरों के अंदर तख्त बंद है, हजरत बहुत बड़ी बादशाहत है उसकी। हजरत ने फरमाया फिर? कहने लगे लेकिन वो कलमा नहीं पढ़ती है। हजरत ने कहा तू खबर पक्की लाया है। क्या बात है, वाह वाह वाह, तू खबर पक्की लाया है। कहने लगे कौन है जो उसके तख्त को लेके आए, कौन है दरबार में? एक जिन्नात खड़ा हुआ, कहने लगा हजरत आपका ये आपकी ये जो महफिल लगी है, जो नसीहत की महफिल लगी है, जो फैसला करने वाली महफिल लगी है, ये जो आपका दरबार लगा है, ये जो मुरीदीन बैठे हुए हैं, ये महफिल आपकी खत्म नहीं होगी, मैं जाऊंगा लेकर के आ जाऊंगा पूरे तख्त को, मलका बिलकिस के तख्त को उठा करके लेके आ जाऊंगा। हजरत ने कहा मेरा घर मेरा दरबार तो अभी चल रहा है, घंटे दो घंटे चलेगा, तीन घंटे चलेगा, चार घंटे चलेगा, पांच घंटे चलेगा, तू तो इतना लंबा वक्त ले रहा है, नहीं जल्दी कौन लेके आएगा, जल्दी कौन लेके आएगा। एक खड़ा हुआ कहने लगा हुजूर हुजूर अनाती कभी कबलाई अर्तदा इलैक तरफो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ओ मेरे पैगंबर मैं लाऊंगा मैं। हजरत ने फरमाया वो मेरा एक दरबारी है जो कह रहा है तीन घंटे में, चार घंटे में, पांच घंटे में मेरा दरबार जब बर्खास्त होगा, दरबार के बर्खास्त होने से पहले लेके आ जाएगा मलका बिलकिस का तख्त, जो लाखों कोस की दूरी पे है, वो तख्त उठा करके लेके आएगा। इतनी देर में तू कितनी देर में लाएगा? तो अल्लाह का कुरान कहता है वो एक आदमी एक जिन्नात उठा, एक जिन्नात उठा, उसने कहा मैं दो घंटे में ले आऊंगा, दरबार बर्खास्त करने से पहले ले आऊंगा, लेकिन एक का बली उठा, सुलेमान का उम्मती उठा, एक दरबारी मुरीद उठा, कौन उठा बोलो बोलो बोलो, एक मुरीद उठा, उसने कहा हजरत मैं ले आऊंगा, कितनी जल्दी लेके आएगा? कहा हजरत आप पलक झपकाएंगे और झपक के आपकी पलक उठेगी नहीं, इधर जाऊंगा उठा के ले। अरे पूरा मजमा बोल यार, और मोहब्बत से, हजारों कोस की दूरी है, लाखों मील की दूरी है, करोड़ों मील का सफर है,
घंटे दो घंटे नहीं, अभी तो पहले तो घोड़े का सफर था, पैदल का सफर था, बैलगाड़ी का सफर था, ऊंट का सफर था, खच्चर का सफर था, ऊंट का सफर था, खच्चर का सफर था, इतनी देर यार बहुत टाइम लगता था, सालों लग जाते जाने में, लेकिन वो कहता है, एक कहता है कि दो चार घंटे में ले आऊंगा, लेकिन मुरीद है, एक मुरीद है जिन्नात में भी उतना पावर नहीं, हजरत जिन्नात में भी जिन्नात में भी इतना पावर नहीं जो एक मुरीद में पावर है, जिन्नात में भी इतना पावर नहीं जो एक आशिक में पावर है, जिन्नात में भी एक पावर नहीं जो एक मंगते में पावर है, जिन्नात में भी पावर नहीं जो एक भिखारी में पावर है, जिन्नात में भी एक पावर नहीं जो शेख के तलवे चाटने वाले में पावर है, जिन्नात में भी वो पावर नहीं जो एक भिखारी में पावर है, जो एक मुरीद में पावर है। कहता हजरत आप पलक झपकाएंगे और झपका कर आप पलक उठा नहीं पाएंगे। अल्लाह ला 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 जाऊंगा उठा के ले आऊंगा। सिलसिले रहमानिया समझो, यही तो समझाऊंगा क्योंकि एंडिंग गुफ्तगू है। जाऊंगा उठा के ले आऊंगा। हजरत ने कहा फिर रोका किसने, चल जा जा। इधर गया और कुरान पाक कहता है कि वैसा ही हुआ जैसा उसने कहा था। नाम उसका आसिफ इब्ने बरखिया था। वाह वाह वाह। नाम उसका आसिफ इब्ने बरखिया था। तवज्जो से सुनना। नाम उसका आसिफ इब्ने बरखिया था। आज जमाना चैलेंज कर रहा है। आज बंबई भी जा रहे हैं, बड़े तुर्रम खां हो ना, पठान हो, सैयद हो, शेख हो, अंसारी हो, जुलाहा हो, कुंजड़ा हो, मंसूरी हो, बड़ी बिरादरी के हो या छोटी बिरादरी को, ये तुम्हारी बनाई हुई है अल्लाह के यहाँ। ये सारी बिरादरियां कोई माने नहीं रखती। पठान हो पठनई यही रखी रह जाएगी, कब्र में कुलाई हो जाएगी। बेशक शेख होश में रहना, कब्र में ये नहीं देखा जाएगा कि शेख साहब हो, कब्र में तो ये देखा जाएगा कि नमाज लेके आया है कि नहीं लेके आया है। कब्र में ये नहीं देखा जाएगा कि तू बड़ा इमामा बांध के आया है या अच्छा कफन लेके आया है। ये नहीं देखा जाएगा, ये नहीं देखा जाएगा कि तू बादशाह है। ये देखा जाएगा तू मुस्तफा का गुलाम है कि नहीं है, नबी का उम्मती है कि नहीं है। वरना हमारे यहाँ शादियाँ हो रही है, हम चाहते हैं कि शादियाँ करें तो बड़े कोठे में करें, हम शादियाँ करें तो बड़े अमीर घर में करें, हम शादियां करें तो बड़े घर में करें, जहां बंगला हो, जहां बिल्डिंग हो, जहां कोटी हो, जहां बुलेट मिले, जहां बाचे मिले, जहां फॉर्चूनर मिले, जहां दहेज मिले, हम ये चाहते हैं। कसम खुदा की इसी चाहने की वजह से गरीबों की कितनी बेटियां हैं जो फांसी लगाने पे मजबूर हैं, कितनी गरीबों की बेटियों की जिंदगी तबाह हो रही है जिनकी शादियां नहीं हो रही है। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर मेरे मुस्तफा चाहते तो अपनी बेटी का निकाह बड़े से बड़े बादशाह के घर में करते। अगर मेरे नबी चाहते तो अपनी बेटी का निकाह तख्ते सुलेमान के वारिस के साथ में करते, लेकिन मेरे मुस्तफा ने अपनी बेटी का निकाह किया तो उससे किया जिसके घर में तीन तीन दिन चूल्हा नहीं जलता। उसके घर में तीन तीन दिन चूल्हा नहीं जलता था। अल्लाह अकबर। अल्लाह ये तुम बिरादरी देख रहे हो कि यार हम पठान हैं, हम शेख में नहीं करेंगे, हम अंसारी में नहीं करेंगे। सुनो ये दुखते हुए जुमले हैं, मेरी तकरीर खत्म हो रही है। कोई बात बोले बोले। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, बैठ 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 कुछ नहीं कुछ नहीं, बैठ जाओ, बहुत काम की बात हो रही है, इधर आके बैठ जाओ, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा भाई। ए मुन्ना बैठो यार, तकरीर खत्म है। वरना हमारे यहाँ बिरादरी एक है, सबके बाप का नाम आदम है। वाह, सबके बाप का नाम, जोर से बोलो, सबके बाप का नाम आदम, आदम है। पठान हो तब भी आदम की औलाद, सैयद हो तो भी आदम की औलाद, शेख हो तो भी आदम की औलाद, अंसारी हो तब भी आदम की औलाद। अल्लाह ये नहीं देखेगा मैदाने महशर में कि पठान कौन है, शेख कौन है, अंसारी कौन है। अल्लाह कहता है कि हम अगर देखेंगे, कुरान पाक उठाओ, कुरान कहता है हमने तुम्हें एक आदम से पैदा किया। वाह 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 वाह।
हमने तुम्हें आदम का बेटा बनाया कि तुम्हें कबीलों में बांट दिया, तुम्हें खानदानों में बांट दिया, तुम्हें गिरोहों में बांट दिया, तुम्हें घरों में बांट दिया। अल्लाह कहता है कि हम अगर देखेंगे तो कुरान कहता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाही अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक अगर कुछ देखा जाएगा तो तकवा देखा जाएगा, अगर देखा जाएगा तो परहेजगारी देखी जाएगी, अगर देखा जाएगा तो तुम्हारा किरदार देखा जाएगा। ये बिरादरी यही रहेगी। वाह 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 वाह। जात का अंसारी है, अगर परहेजगार है तो पठान से आगे चला जाएगा। सही बात यार, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। ये मैंने सरकारों से सीखा है, जात का कमजोर होगा लेकिन वो आगे चला जाएगा, इसलिए क्योंकि उसका अमल अच्छा है। और अगर बड़ी बिरादरी के कहलाते हो तो बड़ा अमल करना शुरू करो। फिर नमाज भी पढ़ो, फिर रोजा भी रखो, फिर हज भी करो, गंदे कामों से बाज रहो, और फिर वहीं पे आ जाओ। हमारी बेटियां बैठी हुई हैं, तुम ये देख के शादी ना करो कि यार वहाँ बुलेट मिलेगी, तुम ये देख करके शादी करो कि वहाँ कनीज़े फातिमा मिलेगी। और फिर वरना अगर वरना मैं अपनी बहनों को भी एक पैगाम दे दूं, उर्स है इसलिए पैगाम देना जरूरी है, उर्स में पैगाम दिया जाता है। मैं अपनी बहनों से भी कहूंगा कि तुम्हारे जब रिश्ते हों तो अपने माँ बाप से जरूर ये कह देना, अब्बा सरकारी नौकरी वाला मिले ना मिले लेकिन हमको नमाजी जरूर मिलना चाहिए, रोजेदार जरूर मिलना चाहिए, ऐसा जरूर। इसलिए हमारी कौम की बेटियों को सुहाने सपने दिखाना बंद करो। ये तो सपने दिखाए जाते हैं, तुम्हारी शादी बंगले में, बंगले वाले में हो रही, सरकारी टीचर में हो रही है, कसम से ये सपने ना दिखाया करो। सपने अगर दिखाया करो तो गुलाम मुस्तफा के सपने दिखाया करो, मुस्तफा की गली के सपने दिखाया करो, ये दिखाया करो। वरना अगर बड़े घर में शादियां सक्सेस होती ना तो बड़े घरों में फर्श मखमल पे तो बच्चियां सो रही हैं, फिर पंखे में लटक के क्यों मर रही हैं? एसी में लड़कियां सो रही हैं लेकिन कल्बी सुकून के लिए तरस रही हैं, गैस सिलेंडर फाड़ करके अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद कर रही है। इसलिए सुकून बड़े बंगलों में, एसीओ में, फ्रिज और कूलर में नहीं है, सुकून तो गरीब की झोपड़ी में है। जो गरीब की झोपड़ी तो है मगर जन्नतियों का सुकून है। वाह 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 वाह, जन्नतियों का सुकून है, वहां नमाज पढ़ी जाती है। मेरी बहनों, मेरी बहनों, ओ मेरी पर्दा नशीन बहनों, तुम छत पे सुन रही होगी, इसलिए ये इंतखाब ना करना कि हमेशा बड़े घर में शादी हो। तुम्हें थोड़ा सुकून, तुम्हें गरीब के घर में दौलत तो कम मिलेगी, खाना तुम्हें बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम गरीब के घर में तुम्हारी जिंदगी सुकून से हो, सुकून से होगी। अब फिर वही बात खत्म कर दूं, उसी बात पे आ जाऊं। बैठ जा भैया, यार बैठ जा। आखिरी बात सुनो, आखिरी बात, जो बात सिलसिले नक्शबंदिया की बताना है मुझे। आज दुनिया ने तरक्की कर ली है, बंबई भी जाना है तो 2 घंटे में। हजारों सफर मेरे मुंबई की भी हुए, 1.5 घंटा 2 घंटा कभी कभी 1.25 घंटे में फ्लाइट से पहुंच गए, लेकिन वाह मुंबई जाना है तो 2 घंटे में, अमेरिका जाना है तो 18-20-22 घंटे में, बनारस जाना है तो 1.5 घंटे में, जयपुर जाना है तो 40 मिनट में, बड़ौदा जाओ तो 1.5 घंटे में, दिल्ली जाओ तो 40-45 मिनट में। जमाने ने तरक्की कर ली, दुनिया का कोई मानने वाला कल्चर दूसरे कल्चर का मानने वाला ये कह सकता था? सुलेमान के उम्मती में ये पावर था कि पलक झपकते ही गया, मलका बिल्किस का तख्त उठाया, उठा करके लेकर के चला आया। बताओ तुम्हारे नबी के उम्मतियों में ऐसा पावर है? है कोई पावर तुम्हारे नबी के उम्मती में? तो मैं कहूंगा दूर न जा, आ सरकार नक्शबंद की बारगाह में। तेरे नक्शबंदिया की बात सुन रही, आ सरकार नक्शबंद की बारगाह में, जिनसे सिलसिले नक्शबंदिया चला है। सरकार नक्शबंद का जमाना है, बुखारा की सरजमीन है, बुखारा से
रुस्तो हिदायत के काम के लिए निकल गए बगदाद। बगदाद पहुंचे ना तो लोगों ने जो उनके मुरीद थे उनको घेर लिया। बेटा सुन ले आखिरी बात है यार। बैठ जा बेटा बैठ जा। उनके मुरीदों ने घेर लिया कि हजरत हमारे यहाँ चलिए, हजरत हमारे यहाँ चलिए, हजरत हमारे यहाँ चलिए, हजरत हमारे यहाँ चलिए। हम समझते हैं कि बस हजरत को पकड़ो और घरों घरों में ले जा करके रख दो, बोरे की तरीके से बिठा दो जा करके, बस सारी बरकत इसी में है। आप ये समझते हो? कसम खुदा की ऐसा नहीं है। हर घर में पीर का जाना जरूरी नहीं है, हर घर पे पीर की नजर का होना जरूरी है। वाह, हर घर पे वरना बड़े पीर के जमाना आ रहा, वरना मैं कुछ और सुनाता, लेकिन वक्त नहीं। सिलसिले नक्शबंदिया के पीर की एक बात सुनो, शेख तरीकत की बात सुनो। लोग कहने लगे कि हजरत हमारे घर पे, हजरत हमारे घर पे। हजरत ने कहा फकीर को छोड़ दो, फकीर जहाँ चाहेगा वहां रुकेगा, जो चाहेगा वो खाएगा। अपनी झोली से टुकड़े निकाले खाने लगे, बाहर आंगन पे बैठ गए खाने लगे, वहीं पे नमाज, वहीं पे रोजा, वहीं पे सारा काम करने लगे। कभी किसी मुरीद के घर पे चले जाते, ये उनका कर्म है। बादशाह वक्त का जमाना था, बादशाह वक्त का जमाना था। और बादशाहों के दरबारों में जैसे जैसे बड़े लोग होते हैं, वैसे बादशाहों के दरबार में कुछ चापलूस भी होते हैं, कुछ चापलूस भी होते हैं जो हमेशा ताने भरा करते हैं। पीर लोगों के भी दरबार में कुछ ऐसे होते हैं चापलूस, जो पीर लोगों के भी कान भरा करते हैं। जालिम ये नहीं समझते हैं कि हम पीर के कान नहीं भर रहे हैं, बल्कि लिए अपने अपने लिए जहन्नम की लकड़ियां जमा कर रहे हैं। पीर के कान, तू पीर को सिखाएगा कि पीर साहब मेरे हिसाब से चले, जो मैं कह रहा हूँ वो माने। नहीं, पीर तेरे हिसाब से नहीं चलेगा, पीर जो कहे वो कर, तू पीर के हिसाब से चलेगा। सही बात है, वाह वाह वाह। वरना मुरीद चाहता है जैसा हम कहें वैसा हमारा पीर करे। नहीं, जैसा पीर कहे वैसा तुम करो तो फिर मुरीद कहलाने के हकदार हो। बेशक। तो बादशाह का दरबार था, बादशाह अपनी एक कनीज को बहुत मानता था, एक कनीज को बहुत मानता। सुबह फजर की नमाज का वक्त होता तो उसी कनीज को आवाज देता कि आ जाओ। जोहर का वक्त होता तो आवाज देता, मेरा मुसल्ला ले आओ, मेरे लिए पानी ले आओ, मेरे लिए खाना ले आओ। उसी एक कनीज को बार बार आवाज देता। यार पीर को देखो, पीर होना बड़ी बात है। पीर तो पीर होता है, लेकिन मुरीद भी मुरीद होता है। कोई 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 पीर होता है, कोई मुरीद होता है। हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि फलां मेरा पीर बन जाए, लेकिन कभी कभी पीर की भी ख्वाहिश होती है कि फलां मेरा मुरीद बन जाए। वो मुरीद नहीं होता है, पीर जिसको चाहे वो मुराद बन जाता है। पीर जिसको चाहे वो मुराद बन जाता है। तो बादशाह वक्त ने आवाज दी, ये काम करो वो काम करो, जब देखो तब उसको बुलाए। अगल बगल जो और कनीजें थी कहने लगी, अच्छा औरतों में हसद की बीमारी होती है ज्यादा, औरतें हसद करती हैं ज्यादा। किसी का झुमका देख लेंगे तो जलने लगे, हमसे अच्छा ले आई, रुक कल जाएंगे मार्केट से लेने के लिए। फिर वो आदमी से झगड़ा करेगी, फिर वो आदमी की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश, तबाह कर देगी, रात भर सोने नहीं देगी जब तक के हाँ नहीं करा लेगी। भैया तो वो पीर ने कहा, बादशाह ने कहा कि ये करो वो करो, ये करो वो करो। जब ज्यादा उसकी मान जान होने लगी तो वो तो दूसरी कनीजें थी वो चलने लगी। उसने कहा इसे बदनाम कैसे किया जाए। तब बादशाह के कमरे में एक एक सोने चांदी का जवाहर भरा, हीरे भरा, वो एक मोती का उगलदान है, मोती लगा हुआ उगलदान है, उसको उसको गायब कर दो। और जब बादशाह उगलदान मांगेगा, बादशाह उगलदान मांगेगा तो उगलदान के लिए यही कनीज जाएगी देने के लिए, और उगलदान नहीं मिलेगा तो
हम सब इसके ऊपर इल्जाम लगा देंगे कि ये नौकरानी आपकी है, ये आपकी खास खादिमा है, इसलिए इसने उगलदान चुरा लिया, हम इसको बदनाम कर देंगे। आई गई बात हो गई, बादशाह ने कनीज को बुलाया, कहने लगे उगलदान कहाँ है, उगलदान लेकर के आओ। कनीज गई उगलदान लेने के लिए, कमरे में देखा कमरे में नहीं मिला, कोने में देखा कोने में नहीं मिला, बरामदे में देखा बरामदे में नहीं मिला, पूरे महल में देखा मार महल में नहीं मिला। परेशान हो गई, डरती डरती बादशाह के पास में हाजिर हुई, कहने लगी सरकार उगलदान नहीं मिला, ऐसा लगता है चोरी हो गया है। तो ऊपर से जो अगल बगल जो कनीजें थी वो दौड़ के आई, कहने लगे हमने देखा है कि तूने चुराया है, तू अपने घर लेके गई है, हो सकता है तूने बेच दिया हो, तू फला दिन लेके गई थी, फला वक्त लेकर के गई थी, फला टाइम लेकर के गई थी, फला वक्त में लेकर के गई थी, तूने उगलदान चुराया है। अब चूंकि बादशाह कान के कच्चे होते हैं, बादशाह कान के कच्चे होते हैं, जैसे बच्चे की आवाज पर यकीन नहीं किया जा सकता, वैसे बादशाहों की समातों पर भी ध्यान नहीं दिया जा सकता। बच्चा बालिग होता है तो इसकी आवाज बदल जाती है, अब बादशाह एक ख्याल से उसका दिमाग बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसकी फिक्र बदल जाती है। ये चापलूस पसंद जो लोग होते हैं उनकी फिक्र जल्दी बदलती है, जो कान के कच्चे होते हैं उनकी फिक्र जल्दी बदलती है, उनकी सोच जल्दी बदलती है। कभी ये अच्छा है कभी वो अच्छा है, कभी ये खराब है कभी वही अच्छा है, ऐसे लोगों के एतबार नहीं किया जाता। बादशाह ने कहा अच्छा तुम गवाही देती हो, ले जाओ मेरी इस कनीज को, और छत के ऊपर से महल के ऊपर से नीचे गिरा दो, बस बात खत्म है, ले जाओ इसे महल के ऊपर ले जाओ, चौबारे पे ले जाओ, कंगूरों पे ले जाओ, और ले जा करके इसे महल की छत से नीचे गिरा दो। जब उसे ले जाने लगा, आए है जब उसे ले जाने लगे ना, तो वो मुरीद थी आकाए नक्शबंद की। बोलो यार, बोलो बोलो बोलो, सरकारे नक्शबंद की मुरीद थी। कहने लगी बाप पीर साहब हमने तो सुना था मुसीबत के वक्त में पीर बचाता है, अब तो जान के लाले पड़ गए हैं, हमने आपका दामन इसीलिए पकड़ा था, हमको हीरे की तलब नहीं थी, मैं बादशाह की बड़ी खास कनीज थी, हमको दौलत की कमी नहीं थी, मेरे पास में चांदी की कमी नहीं थी, मेरे पास में हीरों की कमी नहीं थी, मेरे पास में जवाहरात की कमी नहीं थी, मेरे पास में सोने की कमी नहीं थी, मैं बादशाह की सबसे महबूब नजर मंजूर नजर कनीज थी, लेकिन अब मुझे बदनाम कर दिया गया, अब मेरी जान जाएगी, अब मेरा पीर कब बचाएगा। हमने सुना था मुरीद के मुसीबत के वक्त में पीर मदद किया करता है, ए मेरे पीर का हो, मेरे मुर्शिद का हो, ए मेरे आका का हो, अब तो जिंदगी की बहार जा रही है, अब तो जवानी की उमंग जा रही है, अब तो वजूद जा रहा है, अब तो मैं मार दी जाऊंगी, 50 फीट 100 फीट 200 फीट के ऊपर ऊंचाई से नीचे फेंक दी जाऊंगी, बेजा निकल आएगा, कलेजा निकल आएगा, गुर्दा निकल आएगा, हड्डियां टूट जाएंगी, बदन रेता रेता होकर के बिखर जाएगा। ओ मेरा पीर मुझे बचा, इधर मुरीदनी ने चौपारे के ऊपर से आवाज दी, और जब उसको जालिमों ने धक्का दिया तो देखा के नीचे पीर की झोली में पड़ी, नीचे पीर की झोली में पड़ी थी। जब पीर की बाहों में आई, मुरीदनी ने आके खोली, क्या रे मैं तो जिंदा हूँ, न चादर पे हूँ, न तकिया पे हूँ, न गद्दा पे हूँ, न फर्श मखमल पे हूँ, न बहारे चीज पे हूँ, न ही ऐसी किसी घास फूस की जगह पे हूँ, अगर हूँ तो पीर की झोली में हो, पीर की चादर में हो, पीर के हाथों में हो, पीर के चुप्पे में हो, पीर के दस्ते रहमत में हो, तो पुकार के कहती हजरत आप कब आए, तो हजरत आकाए नक्शबंद ने पुकार के कहा था तू चौबारा आमदी मन बुखारा नहीं आमदा, जब तू चौबारे से आ रही थी तो मैं बुखारा से बचाने के लिए चल पड़ा था। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद।
बस बस हो गई तकरीर, हो गई हो गई। जब तुझे ऊपर से फेंका जा रहा था मैं अपनी खानकाह में बैठा था, जब तुझे ऊपर से फेंका जा रहा था मैं अपने मुसल्ले पे बैठा था, जब तुझे ऊपर से फेंका जा रहा था मैं अपनी तस्बीह लेके बैठा था, जब तू ऊपर से आ रही थी मैं बिहार से आ रहा था। वाह 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 वाह। तो पीर इसीलिए होता है कि मुरीद को बचाए, और कोई कोई मुरीद ऐसा होता है जो पीर को बचाए। इसलिए पीर भी होना जरूरी है और मुरीद भी होना जरूरी है। इसलिए उम्मत मोहम्मदिया में ऐसे ऐसे शेख मौजूद हैं। किस्मत वाले हो आप कि आपको शेख तरीकत सरकार वाजिद अली शाह से जुड़ने का मौका मिला। किस्मत वाले हो आप कि आपको सरकार फजल रहमा का फैज मिला। किस्मत वाले हो आप कि आपको सरकार सैयद उवैस मुस्तफा वास्ती कादरी दामत बरकातुल आलिया की ज़ियारत नसीब हुई। किस्मत वाले हो आप कि आपको बारिश पाक का कुर्ब मिला। किस्मत वाले हो आप कि आपको बरेली के सरकारों की आमद मिली। किस्मत वाले हो आप कि आपको महरारा के बुजुर्गाने दीन का फैजान मिला। और किस्मत वाले हो आप कि इस जमाने में इतना सीधा सादा सच्चा पीर आजम मियां की सूरत में मिला। सूफी पीर मिला आपको, मुबारक हो आपको। अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमाए और हमारे और आपके लिए निजात का जरिया बनाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। माशाल्लाह।